इस वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 7.4 करेंगे, जो कि इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पढ़ के बताता हूँ, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल इसे बी पे ले लेंगे, ए बी सी, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें एंगल सम प्रॉपर्टी आती है, वो हम सबने पहले पढ़ी हुई होगी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि बी 90 डिग्री है, एंगल ए और एंगल सी मिला के 90 डिग्री आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो इससे छोटे होंगे बी से, और ये एक्यूट एंगल होंगे जो 90 से छोटा होगा। अब जब हमने ये प्रूव कर लिया कि बी सबसे बड़ा एंगल है, तो साइड ए सी इज लॉन्गेस्ट। कैसे? ट्राइंगल इनइक्वालिटीज में थ्योरम होता है कि साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा सबसे बड़ी साइड मानी जाती है। तो जब एंगल बी 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल निकल कर आए हैं, यानी कि इससे छोटे आए हैं, तो एंगल बी के सामने वाली जो अपोजिट साइड है एसी, जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, वो लॉन्गेस्ट साइड मानी जाएगी। हेंस प्रूव, ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा, उसमें हमें ये थ्योरम लगाना पड़ेगा, ये एंगल सम प्रॉपर्टी की लगाना पड़ेगा। नंबर 2, ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू, ऑल्सो एंगल पी बी सी इज स्मॉलर देन एंगल क्यू सी बी, शो डैट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी को एक्सटेंड कर दिया पी तक, ए सी को एक्सटेंड कर दिया क्यू तक। क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी यानी कि ये वाला एंगल इज स्मॉलर देन एंगल क्यू सी बी, इस वाले से छोटा है। प्रूफ करना है ए सी, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, यानी कि ये लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हमें प्रूफ करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी, सॉरी पी बी सी, पी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा मिलाकर 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर 180 के इक्वल होती है आपको। इसी तरीके से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। एंगल ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम एंगल ए बी सी लिखेंगे और पी बी सी को ट्रांसपोज कर देंगे, तो एंगल ए बी सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी सी। इसी तरीके से एंगल ए सी बी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू सी बी। अब
क्वेश्चन में गिवेन है एंगल पीबीसी, एंगल पीबीसी दिस इज स्मॉलर देन एंगल क्यूसीबी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से छोटा है। जब हम 180 में से छोटा एंगल माइनस करेंगे तो हमारा बड़ा एंगल निकल कर आएगा, जब हम 180 में से बड़ा एंगल माइनस करेंगे तो छोटा एंगल निकल कर आएगा। यानी कि जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे 180 में से एंगल पीबीसी जो कि छोटा एंगल है, तो हमारा ये एंगल बड़ा निकल कर आएगा, एंगल एबीसी। जब एबीसी बड़ा निकल कर आएगा तो फिर एसी जो है वो बड़ी साइड मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा थ्योरम है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज में के साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट, तो देयरफॉर एसी इज ग्रेटर देन एबी। क्योंकि जब बड़ा एंगल माइनस करेंगे ये वाला छोटा निकल कर आएगा तो ये वाली साइड छोटी मानी जाएगी, छोटा एंगल माइनस करेंगे तो ये बड़ा निकल कर आएगा ये वाली साइड बड़ी मानी जाएगी। और यही प्रूफ करना था हमें कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा इसमें क्या है, एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए एंड एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी, शो डैट ए डी इज स्मॉलर देन बी सी। एंगल बी, ये वाला एंगल एंगल ए से स्मॉलर है, छोटा है, ये वाला एंगल एंगल डी से स्मॉलर है, छोटा है। शो करना है कि ए डी, ये जो ए डी है ये स्मॉलर है बी सी से। अब इसे हम किस तरीके से करेंगे, दो ट्राइंगल ले लेंगे। फर्स्ट हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी इस ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है हमें, एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए गिवन, ठीक है। अब एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, ओ ए, तो ओ ए इज स्मॉलर देन एंगल ए के सामने कौन सी साइड है, ओ बी, ठीक है। एंगल बी के सामने ओ ए है, एंगल ए के सामने ओ बी है, एंगल बी स्मॉलर देन एंगल ए है, देयरफॉर ओ ए इज स्मॉलर देन साइड ओ बी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे इन ट्राइंगल सी ओ डी, एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी गिवन, एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, ओ डी इज स्मॉलर देन डी के सामने कौन सी साइड है, ओ सी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ये वाला छोटा है तो ये वाली साइड छोटी रहेगी, ये वाला बड़ा है तो ये वाली साइड बड़ी रहेगी। एडिंग वन एंड टू कैसे ऐड करेंगे, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। ओ ए स्मॉलर देन ओ बी, ओ डी स्मॉलर देन ओ सी, एड करें ओ ए ओ ए प्लस ओ डी ओ डी, यानी कि ए डी, ये ओ ए और ओ डी मिलाकर ए डी हो गई पूरी। तो जब इसे ऐड कर देंगे तो यहाँ ए डी लिख सकते हैं, स्मॉलर देन ओ बी एंड ओ सी, ओ बी एंड ओ सी हो गई मिलाकर बी सी, हेंस ट्रू। यही हमें प्रूव करना था कि ए डी स्मॉलर देन बी सी। नंबर फोर है हमारा एक्सरसाइज का, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। ए बी एंड सी डी आर द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, शो डैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, फोर साइडेड फिगर, इसमें ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है, बी सी जो है सी डी वो लॉन्गेस्ट साइड है। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए, ये वाला एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ट्राइंगल की शेप में चेंज कर लेंगे, एक ही लाइन यहाँ से बना देंगे हम। अभी हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, ए बी सी और ए सी डी। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा।
इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले इसमें हम ले लेंगे नाम दे देंगे एंगल को, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री एंड एंगल फोर, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज स्मॉलर देन बी सी, ए बी स्मॉलर है बी सी के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है गिविन कि ए बी स्मॉलेस्ट साइड है क्वाड्रिलेटरल की, तो बी सी उससे बड़ी होगी जब सबसे छोटी ये वाली साइड है, तो ए बी इज स्मॉलर देन बी सी। अब ए बी के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, अपोजिट साइड में एंगल टू, तो इसलिए एंगल टू इज स्मॉलर देन एंगल एंगल वन, एंगल टू इज स्मॉलर देन एंगल वन, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, ये इससे बड़ी है, छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, तो एंगल टू इज स्मॉलर देन एंगल वन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद इसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए डी इज स्मॉलर देन सी डी, अब ए डी जो है वो सी डी से छोटी है, क्योंकि दिया हुआ है कि सी डी जो है लॉन्गेस्ट है, तो सी डी लॉन्गेस्ट है, तो ए डी उससे छोटी होगी, तो ए डी इज स्मॉलेस्ट देन सी डी। अब ए डी के सामने जो है वो कौन सा एंगल है, एंगल फोर, एंगल फोर इज स्मॉलेस्ट देन एंगल, इसके सामने कौन सा है, एंगल थ्री, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, वी गेट एंगल टू स्मॉलर देन एंगल वन एंड एंगल फोर स्मॉलर देन एंगल थ्री, तो यहाँ हम इन्हें अगर ऐड कर देते हैं तो एंगल टू और एंगल फोर, यानी कि एंगल टू और एंगल फोर कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल सी, यहाँ लिख सकते हैं हम एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल वन एंड थ्री, वन और थ्री क्या बना रहा है, एंगल ए, तो एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल ए, ठीक है, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसे हैंस प्रूव, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए जो है वो एंगल सी से बड़ा है। तो पहले हम ट्राइंगल के रूप में बना लेंगे इनको, उसके बाद इनके एंगल के नाम दे देंगे, और उसके बाद ये देखेंगे कि ये स्मॉलेस्ट है तो ये छोटा है, ये बड़ी है तो ये बड़ा है, ये बड़ी है तो ये बड़ा है, ये स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलर है, तो ये वाला स्मॉलर है। उसके बाद दो इक्वेशन बना के उन्हें ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हम प्रूव कर देंगे कि ये वाला एंगल जो है वो बड़ा है एंगल सी से। तो इसी तरीके से हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, ऐसे ही इसके सेकेंड पार्ट में एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी जो है वो हमें प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर एक ट्राइंगल की शेप दे देंगे, दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास, अब की बार ए बी डी और बी सी डी हो गए, इसके अंदर हमें एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी ये प्रूव करना है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल के नाम दे देंगे 5, 6, 7, 8, थोड़ा सा इजी हो जाता है। इन एंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी इज स्मॉलर देन ए डी, गिविन गिविन इसलिए है क्योंकि ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, इसलिए इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल फाइव इज स्मॉलर देन एंगल ए डी, के सामने वाला कौन सा है, एंगल ए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, सी डी इज लार्जेस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड, बी सी जो है वो छोटी होगी, बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सिक्स इज स्मॉलर देन बड़ी वाली के सामने एंगल सेवन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अगर अब हम इन्हें ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट एंगल फाइव स्मॉलर देन एंगल एट, एंगल सिक्स
स्मॉलर देन एंगल 7। एंगल 5 एंड एंगल 6 कौन सा एंगल बना रहा है? एंगल डी। स्मॉलर देन 7 और 8 कौन सा एंगल बना रहा है? एंगल बी। तो एंगल डी इज स्मॉलर देन एंगल बी, इसे हम एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी भी लिख सकते हैं। और यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो इसी तरीके से हमने ये दोनों पार्ट कर दिए हैं। एक बार हमने जो है वो ए बी सी और इसमें कर दिया ए बी सी और ए डी सी में, और एक बार हमने इसको ए बी डी में और बी सी डी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोनों पार्ट हमारे जो है वो इस तरीके से प्रूव हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इन फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये वाली इससे बड़ी है। एंड पी एस, पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर को पी एस बाइसेक्ट करता है। प्रूव डैट एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी, सॉरी एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। ठीक है, तो हमें पी एस आर ये वाला एंगल पी एस क्यू इस वाले एंगल से बड़ा प्रूव करना है। ठीक है, ये बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये वाली साइड बड़ी दी हुई है, ये वाली साइड छोटी दी हुई है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एंगल को कुछ नाम दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये गिवेन है। अब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, हमें ये मिलता है कि पी आर अगर पी क्यू से बड़ी है तो एंगल 4 जो पी आर के सामने है, एंगल सपोर्ट एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड ऑलवेज बी ग्रेटर। तो ये लार्जर साइड है, इससे आगे वाला एंगल सामने वाला अपोजिट एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल, इसके सामने कौन सा है, एंगल 3। ठीक है, ये हमारा इसी तरीके से हम ये बन के आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाइसेक्टर, पी एस जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल माने जाएंगे। ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में ही दी हुई हैं कि ये इसके इक्वल है, ये बड़ी साइड है तो ये बड़ा एंगल होगा, ये उससे छोटी साइड है तो ये छोटा एंगल होगा, वही हमने यहाँ पर दिखाया है। इसके बाद हम ये दो छोटे ट्राइंगल देखेंगे, पी एस क्यू और पी एस आर। इन ट्राइंगल पी एस क्यू, इस वाले ट्राइंगल में एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल 6 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस, इट इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल एंगल 1 एंड 4। इसी तरीके से अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल पी आर एस। इन ट्राइंगल पी आर एस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल का, जो कि इन दोनों एंगल के इंटीरियर एंगल के बराबर माना जाएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि एंगल 4 में एंगल 1 ऐड कर रहे हैं और एंगल 3 में एंगल 2 ऐड कर रहे हैं, और हम पहले ही यहाँ पर ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 4 एंगल 3 से बड़ा है, जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर एंगल 4 बड़ा है और उसमें हम एंगल 1 ऐड कर रहे हैं, एंगल 3 छोटा है उसमें एंगल 2 ऐड कर रहे हैं, और एंगल 1 और 2 इक्वल है बाइसेक्टर की वजह से, तो बड़ा बड़ा रहेगा और छोटा छोटा रहेगा। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि एंगल 6 जो 1 और 4 के इक्वल है इज़ ग्रेटर देन एंगल 5 जो 2 और 3 के
इक्वल है, और इसको अगर हम नाम देंगे तो एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, एंगल सिक्स इज ग्रेटर देन एंगल फाइव, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है कि हम इसमें एंगल के नाम देंगे, ये वाली लाइन बड़ी दी हुई है साइड हमें, तो ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये वाली साइड छोटी है तो ये वाला साइड एंगल छोटा होगा, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो है वो ये एक्सटीरियर हो जाएगा इन दो के बराबर, ये एक्सटीरियर हो जाएगा इन दो के बराबर, ये बाइसेक्टर है तो एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा, जब इसमें जो है वो ये ऐड होगा, इस वाले में ये ऐड होगा तो ये बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, इसमें ये ऐड होगा तो ये छोटा है तो छोटा ही रहेगा, अगर ये वाला इन दोनों का सम है तो ये बड़ा माना जाएगा, ये वाला इन दोनों का सम है तो ये छोटा माना जाएगा, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पूरा हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। शो डेट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले फिगर बना लेंगे, एक लाइन बना लेंगे L, एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, तो उस पॉइंट से जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और एक लाइन यहाँ से साइड हम और बना लेंगे, इसको यहाँ 90 डिग्री दे देंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसको P ले लेंगे, इसको Q ले लेंगे, इसको R ले लेंगे, ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। अब कैसे प्रूव करेंगे कि परपेंडिकुलर जो है वो शॉर्टेस्ट है, तो इसे हम कैसे प्रूव कर पाएंगे, इसे हम ऐसे प्रूव करेंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 डिग्री का माना जाता है। ठीक है, अब इसमें एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180, आर की वैल्यू पुट अप कर देंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल आर 90 डिग्री है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू दोनों मिला के 90 डिग्री आ रहा है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एंगल पी विल बी एन एक्यूट एंगल, ये एक एक्यूट एंगल होगा एंगल पी। अब इसके अपोजिट जो साइड है वो कौन सी साइड है, क्यू आर, एंगल पी के अपोजिट क्यू आर है और एंगल आर के अपोजिट पी क्यू है, तो क्यू आर इज स्मॉलर देन एंगल स्मॉलर देन साइड पी क्यू। ठीक है, क्योंकि साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर एंड साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज लार्जर, तो इसके सामने वाली साइड पी क्यू बड़ी है, इस छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड छोटी मानी जाएगी, तो क्यू आर इज स्मॉलर देन पी क्यू। और हमें जो है वो यही जो है वो प्रूव करना था कि क्यू आर जो है वो इससे छोटी है, शॉर्टेस्ट है, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे L, उसके ऊपर हम एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ अलग से, वहाँ से हम परपेंडिकुलर लेंगे, एक साइड और बनाएंगे, इस ट्राइंगल को तैयार करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है ये 90 ले लेंगे, इन तीनों को एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 कर देंगे, ये दोनों 90 के इक्वल हो जाएंगे, इसमें ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड छोटी, छोटे एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर एंड साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज लार्जर। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर देंगे कि ये वाली साइड जो है वो इस साइड से छोटी है, और हमारा ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूरा हो जाएगा। हमारी ये एक्सरसाइज बिल्कुल पूरी हो गई है, क्वेश्चन नंबर 1-6 तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।